भाषा सिंह जी, बीजेपी की जीत का मतलब क्या है लगातार 4 रियासतों में? जी, जी एक चीज बहुत साफ है कि जिस तरह से मैं पहले सबसे पहले बात करूंगी उत्तर प्रदेश की, हालांकि जी मैं तमाम राज्यों में जाने का एक मौका मिला था और वहाँ जो हालात थे उनका मुआयना करना और बातचीत करने का एक मौका था, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत खास था। और जैसे हम सब जानते हैं कि 2024 की कुंजी 2022 के उत्तर प्रदेश से निकलती है, लिहाजा इसके जितने भी चरण रहे और जी उसको लेकर जितने कयास रहे, एक बात बहुत साफ थी कि भाजपा ने तमाम जो मिसमैनेजमेंट था, जिस तरह से लोगों में आक्रोश था, पहली बात तो ये बहुत साफ मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं कि लोगों में आक्रोश नहीं था, जो लोग बोल रहे थे वह झूठ नहीं बोल रहे थे, वो लोग सच बोल रहे थे। उनको गुस्सा था, उनको गुस्सा नौकरी को लेकर था, उनको गुस्सा महंगाई को लेकर था, उनका गुस्सा आवारा पशु को लेकर था, और शायद यही वजह है कि इतना तगड़ा प्रचार होने, मशीनरी होने के बावजूद जो भाजपा के पक्ष में था, चुनाव आयोग जैसी कोई जीव जंतु, कोई इंस्टीट्यूशन ना मौजूद होने के बावजूद, प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद, इतना जो आक्रोश था वह इतने सीटों में परिलक्षित हुआ, वोट परसेंटेज विपक्ष का बढ़ा, यानी ये मुद्दे थे। लेकिन वहीं पे जो बहुत ध्यान देने की बात है कि इन मुद्दों को वोट में तब्दील कराने वाली जो मशीनरी है वह कितनी मजबूत थी, उसके लिए कितना काम विपक्ष ने किया था, खासतौर से यहां जब हम विपक्ष की बात कर रहे हैं तो मुख्य तौर पे समाजवादी पार्टी और रालोद बीएसपी गठबंधन था उसकी बात कर रहे हैं। आरएलडी तो आप पाएंगे कि ये जो दोनों नेता हैं, इनके जो दोनों नेता हैं जो बहुत युवा हैं और जिन्होंने 3 4 5 महीनों में बहुत चमत्कारिक प्रेजेंस अपना जताया, लेकिन आप पिछला 5 साल अगर उत्तर प्रदेश का देखिए, जब उत्तर प्रदेश तबाही के कगार से गुजर रहा था, लाशें गंगा में अटी हुई थी, कोरोना में सैकड़ों की तादाद में लोग जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह दरबदर हो रहे थे, तब से लेकर पूरा जो 5 साल था योगी आदित्यनाथ की सरकार का मिसमैनेजमेंट का, वहां पर उन्होंने तकरीबन उसे वॉकओवर दिया। वहां पर कहीं पर भी आपको ये विपक्ष काम करता हुआ नजर नहीं आता, इनके नेता बाहर निकलते हुए नजर नहीं आते, सड़कों पे नजर नहीं आते। ये बहुत बड़ी आयरनी है कि विपक्ष की भूमिका निभाती प्रियंका गांधी ज्यादा नजर आ रही थी, कम से कम मीडिया में, जहां कहीं भी लखीमपुर खीरी तक पहुंचने का काम करना, बाकी जगह जाके मुद्दों पे बात करना। तो एक चीज तो जो मुझे ये लगती है, बहुत शिद्दत से मुझे महसूस होती है कि जितना आक्रोश बेसिकली जमीन पे जाकर आपको महसूस होता है कि जनता है जो चुनाव लड़ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव नहीं, एक तरफ भाजपा है जिसके पक्ष में सारी चीजें हैं, धर्म है, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 5 साल उत्तर प्रदेश में और उससे पहले 2014 के बाद से अभी तक जिस तरह से जो नफरत की घुट्टी पिलाई गई पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से, जिस तरह से खुलेआम पूरी बेशर्मी से देश के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से नफरत की बातें की गई, 80 और 20 की बात की गई, बुलडोजर चलाने की बात की गई, वह सारी चीजें, एक कम्युनल एंगल बहुत तगड़ा मौजूद है इस देश में, उसने मतदाता को एक बड़े पैमाने पर कंसोलिडेट किया है, मजबूत किया है कि जितनी भी मार पड़ जाए फाइनली उनको लगता है कि हम हिंदू खतरे में हैं, अगर यह सरकार नहीं आई तो और ज्यादा हिंदू खतरे में हो जाएगा, सुरक्षा का सवाल, जो सारा का सारा भ्रम है, जो परसेप्शन बिल्डिंग की मशीनरी भाजपा के पास है जिसका उसने भरपूर इस्तेमाल किया। आप एक एक स्पीचेस उठा के देख सकते हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, चाहे वो अमित शाह जो कैराना में जाके कैराना कैराना और पलायन की बात कर रहे हैं, यानी पहली बात हिंदुत्व का कार्ड, या यूं कहिए कि हिंदुत्व का कार्ड भी नहीं, मैं कहूंगी जो नफरत का कार्ड है वह उन्होंने बहुत बेशर्मी से और बहुत निशाना साधते हुए चुना, आप देखेंगे, और उसका असर मुझे लगता है कि एक बड़े पैमाने पे पड़ा। और उसमें जो सबसे चीज जो जुड़ी जाकर चुंबक की तरह, वह थी उनका लाभार्थी वाला कार्ड, जो 15 करोड़, मतलब अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो कुल आबादी है, तकरीबन उसके 60% आबादी में आपने लाभार्थी कार्ड खेला, आपने फ्री राशन दिया, और फ्री राशन भी ऐसे तमाम लोगों को मैं जानती हूं जो पूरा का पूरा रूरल पुअर है, शहरी गरीब है, ग्रामीण गरीब है, जहां के एक एक घर में 40 40 किलो अनाज पहुंचा,
और वो लोग कह रहे थे कि कम से कम योगी जी ने मरने नहीं दिया। तो ये जो एक पूरा डिक्शन नीचे तक पहुंचाया, जो एक मशीनरी है जो झूठ को सच के तौर पर पहुंचाती है और लोगों को इस इल्यूजन में पहुंचाती है कि हम उसी को सच मान लें, तो इसका काट जो करना चाहिए था विपक्ष को, जिस तैयारी के साथ विपक्ष को करना चाहिए था, वह मुझे लगता है कि उसने बहुत देर से हस्तक्षेप किया। अगर वह पहले से हस्तक्षेप होता, और इसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक तकरीबन बहुत बड़ा चंक उसका शिफ्ट हुआ, जिसके संकेत चौथे और पांचवें चरण में खुलकर सामने आने लग गए थे कि ये समझौता हुआ है, ये एक आपसी अंडरस्टैंडिंग बनी है, जो वोट परसेंटेज में भी दिखाई देती है। तमाम 70 से 75 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का जो वोट गया है उसकी वजह से जो समाजवादी पार्टी की हार हुई है। ये सारे जो समीकरण हैं वह कम्युनल एजेंडा प्लस लाभार्थी प्लस बाकी जो समीकरण है, मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पर जो दिखाई देता है कि यह कार्ड इफेक्टिव रहा। अगर विपक्ष ने थोड़ी मेहनत की होती, थोड़ा जमीन पर रहे होते, जैसे दक्षिण भारत के तमाम नेता रहे हैं, चाहे वो स्टालिन रहे हों, चाहे वो आंध्र प्रदेश में जगन रहे हों, जिन्होंने 5 साल जमीन और सड़कों पर फाकते हुए निकाले, तो शायद जो माहौल था, जो गुस्सा था, उसको आप एक इंस्टीट्यूशनलाइज करते। कौन लोग हैं जो वोट में वोट तक पहुंचाएंगे, वोट की मशीनरी क्या है। हम जानते हैं कि भाजपा का जो वोट मैनेजमेंट है, जो पन्ना प्रमुख हैं उसके, जिस तरह से वो एक एक गली एक एक बस्ती में पहुंचे हुए होते हैं, और उसके साथ एक आतंक का माहौल। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो तेलंगाना से लीडर आते हैं वो बोलते हैं कि आपने वोट नहीं दिया तो आप याद रखिए हमें पता चल जाएगा और बुलडोजर आपके यहाँ चलेगा। तो ये सारा जो एक कॉकटेल बना, जो मिक्सचर बना, इसने भाजपा को एज दिया। ऐसा नहीं कि भाजपा परेशान नहीं थी, निश्चित तौर पे परेशान थी, उसका काट वो चरणबद्ध चरण ढूंढ रही थी, और लोगों की नाराजगी थी जो एक कन्वर्ट हो सकती थी चुनाव में, लेकिन बेहद अफसोस कि वह जिस तरह से दिखाई दे रही थी, हमें दिखाई दे रही थी, आपको दिखाई दे रही थी, हम जैसे सैकड़ों लोग, क्योंकि कम लोग नहीं थे सड़कों पर या गांव देहात में बात करने वाले, छोटे बड़े पत्रकार, बड़े समूह के पत्रकार तो छोड़ दीजिए, लेकिन तमाम लोग बात कर रहे थे, लोगों की बातों को पहुंचा रहे थे, सुन रहे थे और लोग बोल भी रहे थे। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो तैयारी होनी चाहिए थी और जो कार्ड एक काउंटर नैरेटिव बिल्डअप करना चाहिए था विपक्ष को पहले से, उसमें विपक्ष बड़े पैमाने पर चूका। और ये कहने की जरूरत नहीं कि भाजपा के पास एज थी, वो हम सब जानते हैं, चुनाव आयोग इससे ज्यादा निकम्मा और क्या हो सकता है जो उसने पूरा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम किया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com